I'm Aarti Khetrapal. I'll be talking to you in person on behalf of music and sound production, Mika Singh and Meenuji. As you all know, we are here to launch DJ Valia, which has been produced under the banner of Music and Sound, which is Mika Singh's company. And we also have a model coming down in a few seconds. This song is basically a collaboration between Mika Singh and Meenuji. It's a wedding song. She's been she's a professor. She's a Spanish professor from JNU. She's been with JNU for the last 35 years. She's been a poet. She's been a writer of Urdu ghazals. And now this is the first launch into indie pop music thanks to Mika Singh. And you've heard her before in folk songs. She's sung a lot of Punjabi folk songs, but this is a first of its kind indie pop. And basically, ये बहुत अच्छा गजल गाते हैं, ठुमरी गाते हैं, और मैं इनको पिछले 10 साल से जानता हूँ, और बड़ी बार मैंने इनको कहा कि आप एल्बम निकालें, तो बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, और मिस्टर बख्शी जो हैं, वो भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई ये गाना माना गाए, तो मैंने बहुत टाइम से इनको पीछे पड़ा रहा, तो फाइनली जब मेरी कंपनी बनी म्यूजिक एंड साउंड, तो मैंने इनको बोला कि ऐसा एक गाना है जिसमें मुझे ये पर्टिकुलर टोन चाहिए ऐसी, जो कि थोड़ी सी इनकी जो आवाज़ जब ये ठुमरी गाती है तो बिल्कुल अलग आवाज़ आती है, गज़ल टाइप आवाज़ है, लेकिन वही गज़ल आवाज़ अगर फोक गाना गाएंगी तो शायद वो गाना डिफरेंट बन जाएगा। तो हमने ट्राई करा और गाना बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा था, हालांकि इनको पसंद नहीं है क्योंकि इनको स्लो सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट अगर आप गाना सुनेंगे तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, एंड ऑलमोस्ट आज ही इवन यूट्यूब पे एंड हर जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इन्होंने एक्टिंग करी है, इन्होंने गाना गाया नहीं है, और इवन मेरी भाभी कहती है कि यार ये गाना जो मिस पूजा ने गाया, कोई लगता है जैसे 18 साल 20 साल की लड़की ने गाना गाया, और बहुत लोगों को लगता है कि इन्होंने एक्टिंग करी, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है। एंड आई एम श्योर कि अगर अभी शुरुआत है, और म्यूज़िक की कोई एज तो होती नहीं है, जब मर्जी आप स्टार्ट करो, जब मर्जी आप गाना गा लो। इसमें एक ही सिंगल है, और बहुत टाइम से जैसे मैं बॉलीवुड में मेरे गाने बैक टू बैक आ रहे हैं, और हर बारी मुझे 2 साल में एक गाना अपने पंजाबियों को देना पड़ता है क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं कि जब देखो हिंदी गाना गाते रहता, तो ये गाना टिपिकल ठेठ पंजाबी गाना है, और क्योंकि अभी शादी का सीज़न भी शुरू हो रहा है, और वैसे तो रियल में मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मीनू जी ने मेरी वीडियो में शादी करा दी है। सो क्या अलग लगा जब इस गाने को शूट कर रहे थे, किस तरह का? इसमें आप देखेंगे तो पूरा जैसे मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यश चोपड़ा जी की एक फिल्म चलती ना पूरी, फुल इसमें ड्रामा मस्ती है, पूरा वेडिंग थीम है, एंड इसके अंदर हमने पूरा शुरुआत जैसे शादी का माहौल है, मेहंदी रस्म हो रही है, एंड कैसे दूल्हा दुल्हन डांस करते हैं और इन्जॉय करते हैं, या रिंग सेरेमनी होती, वो सारा कुछ हमने इसके अंदर दिखाया, एंड एट द एंड हम दोनों गा भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। धमाल की तरह डाल रहा है, बहुत डाला धमाल, अभी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। ये एक्चुअली एक प्रॉपर शादी के सीन से निकल के एक म्यूजिक वीडियो में आ गया, जिस हर शादी में एक देयर इज अ सीनियर पर्सन फ्रॉम द फैमिली हु स्टार्ट्स म्यूजिक, राइट? सो शी इज दैट पर्सन हु इज स्टार्टिंग द होल बीट। सो जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी प्रॉपर पंजाबी वेडिंग में हैं, फॉलोड बाय मिका सिंह्स वेडिंग। मीनू जी के मैं बारे में इतना ही बोलूं, हाय दीक्षा, थैंक यू, फाइनली यू देखना। Diksha is our model. She model and Bollywood actress. She is the love interest in the video. Hi everyone. So Mika Singh is officially getting married to her in the video. In officially. The video. In the video. सर कितना समय लगा था इसको शूट करने में, कहाँ और लोकेशंस वगैरह के बारे में? देखो मैंने बोला कि 5 साल तो मुझे इनको पढ़ाने में लगे कि आप गाना गाओ, आप गाना गाओ, एंड और दूसरा मेरे पास भी मैं सोच रहा था कुछ ऐसा गाना बने, कोई वेडिंग सॉन्ग मेरा काफ़ी टाइम से नहीं आया, एक आया था डीजे नु बुला दो मेरे वीर दी वेडिंग है, जो अक्षय कुमार जी के ऊपर वो गाना था, पर एक ठेठ पंजाबी गाना बहुत साल से मेरा नहीं था, और ड्यू था पंजाबी ऑडियंस के लिए, जब भी मैं कनाडा जाता हूँ, US जाता हूँ, उनकी एक ही डिमांड होती है कि आप हार्ड को पंजाबी गाना गाओ, और वो टिपिकल टोन मुझे चाहिए थी जो मीनू जी ने इसके अंदर निकाली नहीं है, है ही आवाज़ इनकी ऐसी, और देन फिर हम दीक्षा को मैंने अप्रोच करा इस वीडियो के लिए, और दीक्षा के लिए मैं थोड़ी सी बुराइयाँ कर दूँ थोड़ी सी, जब मैं दीक्षा को बोला कि हमारा वीडियो ऐसा है, तो दीक्षा ने बोला कोई टेंशन नहीं है, अब जैसी भी ड्रेस बोलोगे मैं पहन लूँगी, लेकिन जब ऑन शूट पे आए तो दीक्षा ने बहुत ड्रामे करे, हालांकि पूरा इंडियन आउटफिट था, फिर भी दीक्षा ने कहा ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं, तो मैं क्या मैं वीडियो को ज़रूर बताऊँगा। लोकेशन हमारी यहीं पर थी,
दिल्ली में थी बिकॉज हमें टिपिकल सरदार जी चाहिए थे, पंजाबी ऐसे चाहिए थे जिनकी थोड़ी सी टमी मेरे जैसी बाहर भी हो ताकि वो पंजाबी लगे। मीनू जी तुसी कुछ बोलोगे? मैं तो बस मैं ही कह सकती हूँ वी हैड अ ग्रेट टाइम इन इनके, इन्होंने मुझे जो गाना तो गवाया वहाँ तक तो ठीक था, जो इन्होंने मुझे वीडियो में घुसाया वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, पर इनके कहने पे मैं फंस गई और कर भी दिया। अभी तक मैंने अपने फैमिली बच्चों को नहीं दिखाया थोड़ा। हाँ, वो उनको टीवी पे दिखेगा तो ज़्यादा उनको सरप्राइज होगा। एक्सपीरियंस कैसे लगा? एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत अच्छा लगा ना, आई होप कि ये हम और बहुत कुछ करेंगे आगे, क्योंकि मैं नर्वस थी कि पहली बारी मिका जी के साथ, पर इनकी शख्सियत ऐसी है कि ये बहुत कम्फर्टेबल, बहुत प्यार से, बहुत प्यारा इंसान है। Thank you, ji. I'd want to add one thing about Mika Singh, about his company majorly. Like Jesse bol rahe hai ki he's a very warm person and he's very welcoming for new talent. His company Music and Sound has been launching people for the last one and a half year. So we have talent who are barely left out of their teens and they're absolutely fresh and new. So discovering somebody like Meenu ji and getting her under the banner, I think it's really commendable of Mika Singh. I think he brought me because he's also doing Old is Gold. Yeah. Yes. So Old is Gold humne abhi shayad fit baith jati hu. Bilkul nahi, bilkul usme bahut acha hamara ek project chal raha Old is Gold, jahan pe hum new talents ko bhi leke aa rahe hain aur har tarike ke usme gaane bhi hain aur kuch famous singers bhi hain, kuch newcomers hain, kuch bilkul aane wale jo hain ya jo already thoda bahut naam bana chuke hain jaise Rahul Vaidya ya Jyoti Kattangadi, abhi bahut unke gaane chal rahe hain. और ये ओल्ड इज गोल्ड प्रोजेक्ट है, सो अभी हम फिर डीजे वाला की बात करेंगे, तो उसके लिए मैंने स्पेशल मॉडल्स मुझे चाहिए थी जो पूरी पंजाबन लगे, तो देन दीक्षा को हम मिले और दीक्षा टिपिकल जैसे पंजाबन होती हैं, सुंदर पंजाबन, तो वैसे ये पूरे वीडियो में लग रही हैं। और हाँ जी, अभी देखा नहीं आपने, अभी कपड़ों की हमारा पहला ऐसा वीडियो था जिसके अंदर मतलब हम चाहते थे कोई भी हमें ये ना बोले कि यार कुड़ी ने छोटे कपड़े पहने या कुड़ी ने ये पहना, हमने टिपिकल सूट पहना के कोई उसमें नो गर्ल्स नो गन्स ओनली वेडिंग सॉन्ग। वेडिंग जी नहीं, एक्चुअली मेरा फर्स्ट एल्बम है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ी नर्वस भी थी, बट देन ऑफ कोर्स यू नो मिका जी ही मेड मी रियली कम्फर्टेबल and I'm really glad कि मेरा first song इनके साथ है, you know, because I've been a fan of him, so for me to work with him was a really big thing. तो I don't think वो नोक ढोक थी, it was just my nervousness and he was just trying to make me feel nice. दीक्षा के आने से हमारे चार चांद लगे, नो वीडियो में इतनी सुंदर लग रही है। नहीं, actually मैं बहुत lucky हूँ कि मेरी जब मैं वर्ल्ड वाइड शो करता हूँ तो मेरी ऑडियंस जो है मिक्स क्राउड आता है मेरा, और लकीली मैं ठेठ पंजाबी भी गा सकता हूँ और शुद्ध हिंदी भी गाता हूँ, तो अच्छी बात है कि जब भी दोनों मिश्र में देता हूँ स्टेज पे तो ऑडियंस दोनों प्रकार की जुड़ जाती है, गुजराती भी आते हैं, बंगाली भी आते हैं और पंजाबी तो आएंगे। बिल्कुल आएगा जी रिमिक्स, वेल तो पूरा ही डीजे सॉन्ग है ऑलरेडी, काफ़ी अच्छा रिमिक्स हमने कर रखा है। हाँ जी, नहीं कैसा रहा? इसका म्यूजिक भी कप्तान जी ने करा है, कप्तान लाडी एंड आरडीके, और राइटर हैं नोडी सिंह। सरकारी के तो बोल हो जाएं। बिल्कुल जी, मैं चाहता हूँ हम अभी वहाँ लाइव भी गाएंगे। ओ जुत दिल्ले वाली पाली काली एनक बिलाली, जुत दिल्ले वाली पाली काली एनक बिलाली, डीजे वाले आ ओ डीजे वाले आ, वे बीट बजा, कुड़ी ने अड्डी मार नचना, कुड़ी ने अड्डी मार नचना। हाँ हाँ,